अपने कफील के लड़के के ससुराल में पानी भर रहा हूँ मैं, देख रहे हो। तो दोस्तों देखो, ये बिस्कुट है, 3 डब्बा है 150 रियाल का, 150 रियाल का बिस्किट। तो दोस्तों देखो अपना पनीर, देखो ये है वो घास फूस, इससे यहाँ पे चाय बनाते हैं ये लोग। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज के दिन वो मैडम 9 बजे फ़ोन कर दी और 9:40 पे बुलाई मुझे, बाकी 9:55 पे बाहर निकली वो, और उसके बाद आई है इधर हॉस्पिटल में। तो बोली है कि मेरा 11 बजे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तो देख रहा हूँ कि फिर छोड़ते छोड़ते ही 10:10 हो गया था, तो मैं रूम पे नहीं गया, इधर ही खड़ा हूँ। अभी यहीं पे मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, और ये वाला हॉस्पिटल है इधर देख रहे हो। तो 11 बजे का तो मैडम को उठा कर छोड़ के फिर मैं रूम पे जाऊँगा, वहाँ पे खाना वगैरह अपना गर्म करके खाऊँगा मैं। तो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं आज का दिन भर का रूटीन, क्या क्या ड्यूटी रहता है, क्या क्या काम रहता है। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। हाँ तो दोस्तों 11:04 हो रहा है, मैं जा रहा हूँ उधर हॉस्पिटल के बाहर, खड़ा हो जाऊँगा। और यहाँ पे खड़ा हुए हुए बहुत ही सारा वीडियो बनाया मैं, इंस्टाग्राम का रील्स भी बनाया और यूट्यूब का वीडियो भी बनाया। तो ऐसे बनाते बनाते टाइम पास हो गया, पता भी नहीं चला 1 घंटे का। तो चलो अभी मैं जाकर वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, अब देखो कब बाहर आती है। हाँ तो दोस्तों वो हॉस्पिटल वाली मैडम को ला कर छोड़ दिया मैं उसके मायके में, मेरे कफील के लड़के का ससुराल। और सोच रहा हूँ यहीं से मैं पानी भर लूँ क्या, मैं गाड़ी में तो लाया हूँ वो अपना जरकन, अपना वो ड्रम लाया हूँ, तो सोच रहा हूँ यहीं से पानी भर लूँ क्या। मगर ये है कि यहाँ पे इतना धूप है, उसको दबा के रखना पड़ेगा। अरे इतना तेज पानी आ रहा है। चलो मैं पाइप में लगा देता हूँ और गाड़ी में एसी चालू करके बैठा रहूँगा। देखो ये मैं लाया था। तो दोस्तों ये मैंने लगा दिया पानी भरने के लिए, देख रहे हो निकल रहा है बहुत ही तेज़ी से। अपने कफील के लड़के के ससुराल में पानी भर रहा हूँ मैं, देख रहे हो। चलो ससुराल का कुछ तो फ़ायदा उठाए। चलो मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, बाकी भर जाएगा तो फिर रख के लेके चलता हूँ। वो जो दुकान पे भरते हैं लोग जो फिल्टर का 1 रियल का, ये वो भी ऐसे ही करते हैं, वो कौन सा असली वाला फिल्टर लगा के वो लोग करते हैं, यही फिल्टर रहता है। तो जब यहाँ पे अपने कफील के बड़े वाले लड़के का ससुराल में जब फिल्टर लगा है, पूरा दुनिया यहाँ से भरता है, तो भाई हम भी भर सकते हैं। तो देखो दोस्तों 11:15-17 पे ऐसे ही कुछ बाहर निकली थी, बाकी मैं यहाँ पे लाके छोड़ दिया 11:30 तक। तो देखो दोस्तों 2 नल का पाइप लगा के मैं भरता हूँ, इससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। देखो कितना जल्दी आधा हो गया है और आधा रह गया, ठंडा पानी है बिल्कुल। ये ट्राई करूँगा ये पानी कैसा लगता है पीने में, यहीं से भर लिया करूँगा हमेशा। हाँ तो दोस्तों पानी पूरा फुल भर लिया मैं इधर से अपने कफील के लड़के के ससुराल से, बाकी अब चलता हूँ अपने रूम पे। तो दोस्तों 11:37 हो रहा है, मैं इधर पहुँच गया हूँ अपने रूम पे। ये मैं वकाले में आया हूँ सुपरमार्केट में एक कोल्ड ड्रिंक लेने, तभी इधर से मैं एंट्री लिया ही, तब तक मैंने ये देखा अचार जो मैंने मार्केट से ख़रीदा था। मार्केट से मैंने 7 रियाल का लिया था और यहाँ पे 8 रियाल का है, 1 रियाल का फ़ायदा हुआ है। बाकी देख रहे हो जो 1.5 रियाल वाला पेप्सी आया था बोतल वाला, कितना जल्दी बिक गया, मतलब सब लूट लिए, ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। यहीं पर रखा था क्योंकि वो इंडिया जैसा आया था ना मॉडल, और 1.5 रियाल का था, और सब जिसको नहीं पीना था वो भी पी रहा था। हाँ इधर थोड़ा बहुत बचा है देख रहे हो पेप्सी का,
और मिरिंडा भी आ चुका है उसी रेट में। देखो ये डेल रियल का, ये भी डेल रियल का मिरिंडा, कितने ग्राम है, 250 ग्राम, 250 ml है। बाकी इसमें कितना ml रहता है कैन वाले में देखते हैं, 240 ml, 240 ml। तो 2 रियल का ये कैन वाला लेने से अच्छा है 1.5 रियल का ये बोतल लो, 10 ml ज़्यादा ही मिल रहा है। आज मैं ले जा रहा हूँ ये मिरिंडा, देखो हम दिया अपना 1.5 रियल का 250 ml, और ये है 2 रियल का 240 ml। फायदा भी है, अगर ये बोतल रखना चाहो तो रख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, शाम के 5:18 हो रहा है और बैंक वाली मैडम एक लोकेशन भेजी है, वहाँ पे जाना है, सामान है कुछ हो सामान लेकर उसके घर पे पहुँचाना है। तो देखो अभी चालू करता हूँ मैं लोकेशन, देखता हूँ किधर का है और वहाँ मैं जा रहा हूँ सामान लेकर पहुँचा देता हूँ। और आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये बैंक वाली मैडम है कौन, तो कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं भाई ये बैंक वाली मैडम कौन है। तो बैंक वाली मैडम मेरे कफील की बड़ी बेटी है और छोटी वाली मैडम मेरे कफील की छोटी बेटी है। 2 बेटी है लोग, एक बड़ी वाली बेटी है और एक छोटी वाली बेटी है। तो एक बैंक में काम करती है और एक कॉलेज में पढ़ाती है, तो कॉलेज में काम करती है ऐसे कुछ, तो वही है बैंक में काम करती है। तो मैं शुरू से ही बैंक वाली मैडम मैं बोलता रहा क्योंकि मैं उसको बैंक में छोड़ता था। अगर आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, अब तो वो खुद ही गाड़ी चला के चली जाती है, अपना फॉर्चूनर चलाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि अभी भी मैं बैंक वाली मैडम बोलूँ कि अब बड़ी वाली मैडम बोलूँ या फिर कफील की बड़ी लड़की बोलूँ, ये बोलूँ क्या बोलूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अभी लोकेशन चालू करके देख लिया मैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और जमील के रूम की तरफ है, जिधर जमील का रूम है उधर ही की तरफ है। तो उधर मैं जा रहा हूँ सामान लेकर, फिर पहुँचाना पड़ेगा नगरा में। तो देखो अभी पेट्रोल भी नहीं है तो पेट्रोल अपने से डलवाना पड़ेगा और 150 रियाल उसको देना है जहाँ से सामान लेना है, तो 150 रियाल ATM से निकालना पड़ेगा। ये पैसे मैंने निकाल लिए यहीं पे, काबू का दुकान के सामने है ATM, देखो यहीं पे मैंने पैसे निकाले। वो रहा अबू का दुकान, अब चलो चलते हैं फिर से लोकेशन पे। हाँ तो दोस्तों आ गए मैं इधर, एक बार पहले भी आया था रमजान में सामान लेने के लिए, और ये सीधे जाते ही वो जमील का रूम है। तो आप लोग देख सकते हो 4.5 किलोमीटर दूर इधर मैं रमजान में डेली आया करता था, आने जाने का 10 किलोमीटर मान लो तो डेली का 1 लीटर पेट्रोल मैं अपने ऊपर खर्च करता था रमजान में। रमजान में आप लोगों ने देखा ही था 300 दिन इधर आया था जमील के रूम की तरफ, तो डेली 1 लीटर पेट्रोल जाता था। मगर यह है कि मैं अपने पैसे से पेट्रोल डलवा देता था, कभी कभार 10 रियाल का, कभी 5 रियाल का, ऐसा नहीं है कि कफील का ही पेट्रोल जलाता था मैं। तो जिस दिन उमरा से हम लोग लौट के आए थे उसी दिन रात के 2 बजे भेजी थी इसी लोकेशन पे जहाँ अभी मैं आया हूँ। तो देखो दोस्तों ये है कोने वाला घर जो कि मैं आया था रात के 2-3 बजे, जिस दिन उमरा से मैं लौटा था यहीं से लेके गया था सामान, आज फिर से लेके जा रहा हूँ। उस दिन बिस्कुट वगैरह ऐसे ही कुछ था, वो देखते हैं आज क्या है। हाँ तो दोस्तों देखो ये बिस्कुट है, 3 डब्बा है 150 रियाल का, 1 50 रियाल का बिस्किट, तो 150 रियाल हो गया इंडिया का 3400 रुपये। तो ये है 3400 रुपये का बिस्किट जो कि हमारे इंडिया में ये मिल जाता है, यही डब्बा 50-60 रुपये का मिल जाता है। हाँ तो दोस्तों चलो बिस्किट तो ले लिया मैं, अब चलो इसको पहुंचाने जा रहा हूं मैं बैंक वाली मैडम के घर पे नगरा में, जो कि यहां से 15 किलोमीटर दूर है। तब 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, देखो 70 किलोमीटर जितना बस पेट्रोल बचा है, तो देखेंगे अगर
कम पड़ेगा तो डलवा दूंगा। तो चलो दोस्तों, मैं सीधे ये पहुंचाने के बाद मिलता हूं। हो सकता है मैं अभी घर पे फोन करूंगा तो मेरा फोन बिजी रहेगा तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा ये पहुंचाने का, बाकी मैं पहुंचा ही दिया समझो। अब जब ऑर्डर मिला है तो पहुंचाना ही पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों, 6:36 हो रहा है और वो मैं पार्सल पहुंचा के आ गया हूँ मैं रूम पे। बाकी जो आधा पनीर बचा था मैं अभी भिगोया हूँ, देखो नाश्ता करने के लिए। देखो ये है, घर पे बात करते करते गया मैं, घर पे बात करते करते आ गया तो वीडियो नहीं बना पाया मैं। हाँ तो दोस्तों देखो, अपना पनीर रसगुल्ले जैसा पानी गिर रहा है रस। चलो इसको खा कर देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों आप लोग भी आओ खाओ। हाँ तो दोस्तों, रात के 9:30 हो रहा है और कोई भी ड्यूटी अभी तक नहीं आया, बाकी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ। देखो आप लोग भी आओ खाना खाने, बिस्मिल्लाह करो। दोस्तों 9:55 हो रहा है, अभी मैं खाना खा ही रहा था तब तक वो बैंक वाली मैडम रिकॉर्डिंग भेजी व्हाट्सअप पे कि वो मामा के घर पे जाओ, वहाँ से सामान लेकर उसके ससुराल में पहुँचाना है, बैंक वाली मैडम के ससुराल में। तो ससुराल इधर ही है, वो पुल के पीछे जहाँ मेला लगता है। तो अभी जाकर देखता हूँ क्या सामान है। हाँ तो दोस्तों आ गया हूँ मैं इधर, देखो क्या सामान है। बाकी ये देखो, ये कफिल के बड़े वाले लड़के का लैंड क्रूजर, जो कि सलमान खान के पास है यही कार, लैंड क्रूजर। हाँ तो दोस्तों 10:09 हो रहा है, सामान मैं वो ले लिया हूँ। अब जा रहा हूँ मैं वो बैंक वाली मैडम के ससुराल में, और हमेशा की तरह सेम चीज वही है, वो नैना है, नैना बोलते हैं यहाँ पे, चाय बनाते हैं उससे, चाय बनाते हैं नैना चाय, पुदीना जैसा रहता है मगर पुदीना नहीं रहता, दूसरा चीज रहता है यहाँ पे, नैना बोलते हैं। इंडिया में वैसा चीज मिलता नहीं है तो नाम नहीं मालूम इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, तो नैना ही है, घास फूस समझो, अपने लिए तो घास ही फूस है, तो वही पहुँचाने जा रहा हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों आ गया मैं इधर, देख रहे हो हमेशा की तरह ये बैंक वाली मैडम के हस्बैंड के माँ बाप का घर है, तो यहाँ पे वो देना है। देखो ये है वो घास फूस, इससे यहाँ पे चाय बनाते हैं ये लोग। हाँ तो दोस्तों दे दिया मैंने, और बस यही छोटा सा काम था, जल्दी बाहर आ गए ये लोग, नहीं तो देखते हो जितने बार भी मैं आया हूँ मैं 10-20 मिनट लग ही जाता है यहाँ पे बेल बजाते बजाते। तो चलो अभी रूम पे चलता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी ड्यूटी आएगा तो बताऊँगा, नहीं तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, वस्सलाम, टेक केयर। Oh, let me up with a bright smile on now.